नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में, जो कि हजूर साहिब नांदेड़ से हजरत निजामुद्दीन के बीच में चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र से नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के बीच में हफ्ते में एक दिन चलती है। हर मंगलवार को ये हजूर साहिब नांदेड़ से रवाना होती है। अगर इसके रूट मैप के बारे में बात करें तो ये हजूर साहिब नांदेड़ से परभणी जंक्शन, जलना, औरंगाबाद, मनमाड़, भोपाल, झांसी जंक्शन, आगरा कैंट होते हुए ये नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। इस ट्रेन का जो ट्रेन नंबर है वो है 12753, यानी कि 12753, और हफ्ते में एक दिन चलती है। मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है तकरीबन 28 घंटे में अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है, और इसके तकरीबन 10 स्टेशन हैं। हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र से नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन तक की जो दूरी है 1626 किलोमीटर के करीब जो है ये कवर करती है, और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 58 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, और आपकी टिकट में सुपरफास्ट चार्ज भी साथ में जोड़ा जाएगा। आगे हम बात करेंगे इसके टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो हजूर साहिब नांदेड़ से हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली के बीच का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में एक सेकेंड एसी का कोच है, जिसका टोटल किराया जो है हजूर साहिब नांदेड़ से नई दिल्ली तक का वो है 2595 रुपये, जिसमें 2376 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज जो है 124 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 2595 रुपये। इसके अलावा दो कोचेज जो हैं वो थर्ड एसी के हैं। थर्ड एसी का जो किराया है इस ट्रेन में वो है 1805 रुपये, जिसमें 1634 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, और 86 रुपये के करीब जो है वो GST चार्ज शामिल होता है। टोटल किराया जो इसका बनता है वो है 1805 रुपये। ये तो होगी थर्ड एसी की बात। बाकी इसमें स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास में और जनरल एंड रिजर्व डिब्बों में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 6 कोचेस हैं, जिसका टिकट किराया है 690 रुपये, जिसमें 640 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है, और टोटल किराया जो है 690 रुपये है। ये तो हो गई स्लीपर क्लास की बात। इसके अलावा मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में जनरल एंड रिजर्व डिब्बों के तकरीबन 5 कोचेस हैं, जिसका हजूर साहिब नांदेड़ से हजरत निजामुद्दीन तक का टोटल किराया है 405 रुपये। ये जो मैं अभी आपको किराया बता रहा हूँ ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर ले, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात करेंगे मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में, और जान लेंगे हजूर साहिब नांदेड़ से हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली के बीच में कौन कौन सी ट्रेन चलती है। मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है हफ्ते में एक दिन चलती है। हर मंगलवार को ये हजूर साहिब नांदेड़ से सुबह 9 बजे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और तकरीबन 28 घंटे बाद ये ट्रेन जो है हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली में पहुंचती है। इसके बाद मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो अपने दूसरे स्टेशन परभणी जंक्शन महाराष्ट्र में सुबह 10 बजे पहुँचती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है, 10:02 पर वहाँ से रवाना हो जाती है, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है, और तकरीबन 60 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है जलना महाराष्ट्र में पहुंचती है। जलना महाराष्ट्र में ट्रेन जो है सुबह 11:35 पर पहुंचती है, और 11:37 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, और 174 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है औरंगाबाद जंक्शन औरंगाबाद स्टेशन में पहुँचती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है दोपहर के 1:10 पर पहुँचती है, और 1:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 236 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। तपोवन एक्सप्रेस के साथ यहाँ पर इसकी क्रॉसिंग होती है। मनमाड़ जंक्शन में मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है दोपहर के 3:20 पर पहुँचती है, और 3:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 347 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। और यहाँ पर यह गीतांजलि एक्सप्रेस और कर्नाटका एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है हर मंगलवार को। इसके बाद ये ट्रेन जो है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र में पहुंचती है शाम के 5:18 पर, और 5:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म
पे आके ये ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। यहाँ पर मुंबई छपरा गोदान एक्सप्रेस जो है इसको ओवरटेक करती है और 508 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में एंटर करती है। मध्य प्रदेश के पहले स्टेशन भोपाल जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 12:25 पर पहुंचती है और 12:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 930 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। यहां पर यह पटलकोट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जंक्शन में पहुंचती है सुबह 5:50 पर और 6:00 वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। यहां पर यह ट्रेन जो है हरिद्वार मुंबई एसी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो अपने सेकंड लास्ट स्टेशन आगरा कैंट उत्तर प्रदेश में सुबह 9:15 पर पहुंचती है और 9:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1438 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली में दोपहर के 1 बजे पहुंचती है और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है 1624 किलोमीटर के करीब जो है यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ।